हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर डे इन माय किचन। तो यहाँ पे मैं स्कूल टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने पराठा बना लिया है और कुंदरू की सब्ज़ी बनाने के लिए रख दी है। ये सब्ज़ी भी मेरी बेटी को पसंद है। उसको मतलब एक्चुअली दो चार ही ट्राई ऑप्शन है मेरे पास सब्ज़ी के, तो मैं वो ही अलट पलट के देती रहती हूँ। फिर मैंने मॉर्निंग में ही आलू भी बॉईल करके रख लिए थे, तो मैं आज आलू के पराठे बना रही हूँ। तो ये कच्चे वाले बना रही हूँ, मतलब इसका मसाला मैं पकाने नहीं वाली हूँ। इसमें डायरेक्टली कच्चा प्याज, मिर्ची और धनिया डालने वाली हूँ फाइनली चॉप करके। और सीजनिंग के लिए ऐड करूँगी नमक और जीरा पाउडर। फिर मैं सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके रख दूंगी। तो ये हो गया है मेरा मसाला भी तैयार। और ये आटा मैंने मॉर्निंग में ही बना के रख दिया था जब मैं टिफ़िन बना रही थी, तो वो थोड़ा सा हार्ड भी हो गया था और उसमें नमक भी ऐड नहीं किया था। मैं यूजुअली ऐड नहीं करती हूँ नमक आटे में, सिर्फ पराठा वाला आटा हो उसी में ऐड करती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा नमक और पानी डाल के अच्छे से आटे को नरम गूंद लिया था, क्योंकि आलू पराठा या कोई भी स्टफिंग वाला पराठा रहता है उसके लिए आटा हमें थोड़ा सा नरम चाहिए रहता है, नहीं तो अगर हार्ड होगा तो हमारे पराठे बनेंगे ही नहीं, पूरा बैटर ही बाहर आ जाएगा। और साथ में मैंने कढ़ी बना ली आलू पराठे के साथ। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कच्चे आलू वाला मसाले वाले पराठे पसंद है कि जो हम पका के करते हैं, जैसे कि आलू समोसे का आलू का मसाला बनाते हैं वैसे टाइप का। मुझे तो ये काफ़ी पसंद है क्योंकि इसमें मेहनत भी बहुत कम है। फिर मैं 4 बजे के अराउंड ढोकला बना रही हूँ आज इवनिंग स्नैक्स में। तो मैंने बेसन ले लिया है, नमक, शक्कर और सिट्रिक एसिड। वैसे तो मैं ढोकला ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, मेरे से बनता नहीं है अच्छे से, तो मम्मी ही बनाती है मोस्टली। बट आज मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। और ये मेरी बेटी बीच बीच में मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। डांस क्लास ले जाना पड़ता है 5 बजे, तो इसलिए मुझे बहुत जल्दी थी। तो मैं उसको बोल रही थी नहीं मैं ही करती हूँ, तो वो बोलती नहीं मुझे भी डालने दो, सभी इंग्रेडिएंट्स उसको भी डालने हैं। फिर लास्ट में मैंने 10 मिनट उसको ढक के रख दिया था और उसके बाद मैंने सोडा ऐड कर दिया है। मतलब इसमें एक खट्टा एजेंट चाहिए और उसके साथ सोडा चाहिए, मतलब सोडा को फूलने के लिए कुछ तो खट्टा चाहिए इसमें। तो मैंने सिट्रिक एसिड और सोडा डाला है, नहीं तो फिर इनो का पैकेट भी डालते हैं काफ़ी लोग, नहीं तो फिर दही और सोडा या फिर नींबू और सोडा ऐसे भी करते हैं प्रिपेयर। तो यहाँ पे मेरा ढोकला भी बनके तैयार है और ऊपर से मैंने सिंपल सा तड़का लगा दिया है उसमें जीरा राई का। अब मैं उसको जल्दी से कट करके मेरी बेटी को दे देती हूँ खाने के लिए। फिर मैंने डांस क्लास से आते थे मोमोज लाए थे, ये पार्सल बहुत ही गर्म और एकदम यम्मी थे और इसकी चटनी तो बहुत ही स्पाइसी और यम्मी थी। मैं घर में भी कभी ट्राई करूँगी, मतलब बनाए हैं बट काफ़ी झंझट होती है घर में, तो मतलब खाने का मज़ा ही नहीं आता है क्योंकि बनाने में इतना थक जाते हैं, तो फॉर अ चेंज कभी कभी अच्छा लगता है। तो मैंने मेरी बेटी को अंडे बॉईल करके दे दिए और फिर ज़्यादा भूख भी नहीं थी, तो फिर मैं आज सैंडविच ही बना रही हूँ। तो मैं आधा आलू का सैंडविच बना रही हूँ, जो कि मैंने मॉर्निंग में आलू पराठे का जो मिक्स बनाया था वो बाकी था। और मैं आधा पनीर का सैंडविच बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को मतलब पनीर का सैंडविच पसंद है, तो मैं उसके लिए पनीर सैंडविच बनाने के लिए पहले पनीर भुर्जी बनाने वाली हूँ। तो तेल में मैंने जीरा डाला है, उसके बाद अदरक लहसुन डाला है कूट के, फिर उसमें डाला है प्याज, और जब प्याज अच्छे से हो जाएगा तो मैंने इसमें टमाटर डाला है। अब मुझे मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस डाल दूँगी। और साथ ही में मैं एक चटनी भी बना रही थी ग्रीन वाली, तो उसके लिए मैंने लिया है लहसुन, मिर्ची और धनिया, और टमाटर भी डाल दिया था उसमें आधा। फिर यहाँ पे मेरा जब टमाटर अच्छे से गल जाएगा तो मैंने डाला है पनीर और ड्राई स्पाइसेस ऐड किए हैं, और थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि वो अच्छे से बाइंड हो जाए। और मैशर को मैंने मैश कर लिया था और ऊपर से धनिया पत्ती डाल के बंद कर दूँगी, और इसको ठंडा होने के बाद मैं सैंडविच में ऐड करूँगी। अब यहाँ पे मैं सैंडविच असेंबल कर रही हूँ। मैंने ये पनीर भुर्जी वाला भी निकाल लिया था प्लेट में ताकि वो ठंडा हो जाए, फिर आलू वाला भी है और
ग्रीन चटनी भी है, तो मैं एक लेयर पहले चटनी की लगाऊंगी, फिर मैंने उसमें पनीर भुर्जी डाली है और फिर मैं उसको बंद कर दूंगी। इसमें एक चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे इतना हैवी बनाना नहीं था क्योंकि सैंडविच काफ़ी हैवी हो जाते हैं। दोनों भी टाइप की सैंडविच बना के मैं तवे पे, मतलब चार तो आ ही जाएंगे, और मैंने घी लगा लिया है उसके लेयर पे, जो नीचे एक लेयर है जो तवे पे लेयर है, और ऊपर से भी मैं घी लगा दूंगी और उसको पलट लूंगी और सर्व करूंगी चटनी के साथ। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। बाय।